हेलो एवरीवन, आज हम पोयम अ हाउस अ होम की वर्कशीट 18 करेंगे इंग्लिश की, क्लास 6 की, जो कि है 8 सितंबर की। तो हमने पोयम पढ़ी अ हाउस अ होम। अब आपको कुछ लाइंस कंप्लीट करनी है। व्हाट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट हार्ड्स सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल्स एंड फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लोट ऑफ डोर्स। तो आप इस तरह से जो लाइंस नहीं दे रखी उनको यहाँ पे फिल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको वर्ड्स को रीड करके उन्हें सही बॉक्स में लिखना है। तो हम वर्ड्स को सेपरेट करेंगे। बेडरूम में चीजें आएंगी जैसे कि बेड, टेबल, ब्लैंकेट, पिलो, शीट, चेयर, मिरर और टेलीविजन। किचन में किचन आइटम्स आएंगे जैसे कि स्पून, बाउल, नाइफ, फॉक, प्लेट, जार, ओवन, सिंक, फ्रिज, कुकर एंड टोस्टर। बाथरूम में जो कि हमारे बाथ में और अदर जो वॉशरूम की चीजें होती हैं उनमें यूज आते हैं, तो टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, टॉवल, कॉम्ब, टूथब्रश एंड शावर। तो आप इस तरह से इनको सेपरेट करेंगे जैसे कि मैंने किया है। अब आपको सेंटेंस लिखने हैं हाउस पे। हाउस क्या होता है? अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड एंड ग्लास। सेकेंड लाइन, अ हाउस हैड चिमनीज, रूम्स, स्टूको, किचन एक्सेट्रा। अब दो लाइन लिखनी है होम के बारे में। अ होम कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड अदर फैमिली मेंबर। इसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जैसे एनिमल जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो होते हैं। अब नेक्स्ट लाइन, जो होम है उसके सभी मेंबर्स लविंग होते हैं, शेयरिंग होते हैं और केयरिंग होते हैं। तो आप इस तरह से ही वर्कशीट को करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। आप ये चारों क्वेश्चन करेंगे। सो बाय।